Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start our first chapter of economics of 10th standard, development. In this chapter, we will discuss about the different aspects of development. Like different people have the different development goals. उसके बाद different states के भी अलग अलग development goals हैं. And different countries also have the different development goals. And how these development of different states and different countries can be measured. कि कैसे पता चले कि कोई state develop है या नहीं है या उनके goals क्या हैं और कोई country developed है ये कैसे measurement किया जाता है. तो पूरा का पूरा chapter जो है development पे है. First of all, the word development means प्रोग्रेस की उन्नति करना विकास करना दैट इज नॉन डेवलपमेंट. फर्स्ट है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स की सिमिलैरिटीज बहुत कम है यानी कॉमन गोल्स उनमें कम है बट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट टाइप के गोल्स हैं मोटिव्स हैं कि वो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं क्या उनका गोल है क्या उन्होंने अपना एम सेट किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या इनका मोटिव होगा गोल क्या है इनका. लैंडलेस है यानी अपनी जमीन नहीं है रूरल है मीन्स कि विलेज में रहने वाला है और लेबरर यानी मजदूर है तो क्या इसका पर्पस होगा काम करने का कि इसे रेगुलर वर्क मिले वेजेस यानी जो भी इसके डेली वेजेस हैं जो सैलरी है वो अच्छी मिले और जो मतलब घर पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो अच्छे से सरवाइव करें और धीरे धीरे करके कुछ सेविंग्स करके कोई थोड़ी बहुत जमीन अपनी बना ले तो ये इसका डेवलपमेंट गोल होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है प्रॉस्पर फार्मर्स की विकसित फार्मर है जो मतलब अमीर है रिच फार्मर है बट उसका गोल क्या होगा कि जितने भी उसकी लैंड है पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए जितने भी क्रॉप्स उसकी लैंड पे हो रही हैं उनके मार्केट में अच्छे प्राइसेस मिल जाएं मतलब अभी वो रिच है और रिचर होना चाहता है. नेक्स्ट फार्मर्स हु डिपेंडेंट ऑन रेन कि उनके पास अपने कुछ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है दे डिपेंड ऑन रेन तो क्या कहेंगे कि मॉनसून विल कम ऑन टाइम कि समय पर आ जाए मॉनसून और उनकी क्रॉप्स को अच्छा वाटर मिले हार्वेस्टिंग अच्छी हो और मार्केट में अच्छे प्राइसेस मिले. अर्बन एम्प्लॉयड यूथ कि अर्बन एरिया में रहने वाला एक यूथ है अनएम्प्लॉयड है ठीक है यहाँ एम्प्लॉयड लिखा है सॉरी कि अनएम्प्लॉयड है बट वो क्या चाहता है कि उसे अच्छा मतलब एजुकेटेड है तो जल्दी से जल्दी उसे कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली कि अर्बन एरिया में रहने वाली एक रिच फैमिली का बॉय है क्या कहेगा कि मतलब कुछ भी हो सकता है गोल की लाइक अपना पर्सनल बिजनेस सेटअप करे या फॉरेन में जाके स्टडी करे या फॉरेन में जॉब करे या फॉरेन में बिजनेस करे. एंड ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली अब रिच अर्बन फैमिली की कोई गर्ल है वो क्या कहेगी कि जैसे उसके ब्रदर को मतलब जो फ्रीडम मिल रही है वैसे उसे भी मिले वैसे ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. तो यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास कुछ कॉमन गोल्स हैं लाइक ये जितने भी हमने पीपल लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहने वाले हैं और डिफरेंट इनके डेवलपमेंट गोल्स हैं बट समवेयर जो है कहीं ना कहीं इनके कुछ कॉमन गोल्स भी हैं लाइक बेटर वेजेस एवरीवन वांट बेटर वेजेस ये पहले आपकी जितनी भी सैलरी है आप उससे आगे मतलब बेटर वेजेस लेना ही चाहेंगे और अपनी प्रमोशन चाहेंगे. एंड रेगुलर वर्क एवरीबडी वांट रेगुलर वर्क चाहे वो एक फैक्ट्री का लेबरर है या वहाँ का कोई इंजीनियर है कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब साल के कुछ मंथ्स में उसे काम मिले बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहे खाली रहे. एंड डिसेंट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स और देयर प्रोडक्ट्स कि जो भी उनका प्रोडक्शन है चाहे वो क्रॉप्स हैं या फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन है उनके मार्केट में अच्छे प्राइसेस मिले उन्हें ह्यूज प्रॉफिट हो मतलब लॉस तो कोई भी नहीं चाहेगा चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो फार्मर है चाहे कोई भी है वो अपने मतलब मोटिव क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा आगे प्रोग्रेस करे दैट इज द डेवलपमेंट. नाउ मिक्स ऑफ गोल्स
ठीक है, इतने सारे जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए तो बहुत सारे मिक्स गोल्स हैं। क्या है? बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, कि इनकम का तो क्या है कॉमन गोल है कि सभी को अच्छी इनकम चाहिए। चाहे देखो बच्चे भी स्टडी करते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो मेन मोटिव क्या रहता है कि बड़े होके अच्छी अर्निंग्स करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी मोर इनकम जो है वो क्या है, एक कॉमन गोल है। इसके अलावा जो है इनकम के अलावा और कौन से गोल्स हैं? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। यानी कि हर किसी को फ्रीडम भी चाहिए, ठीक है, साथ में सिक्योरिटी भी चाहिए, जहाँ भी वो रह रहे हैं, जो भी उनका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए, फिर चाहे विमेन हो या मेल मेंबर्स हो। इसके अलावा उन्हें जो है रिस्पेक्ट भी चाहिए कि जहाँ पे भी वो वर्क कर रहे हैं, चाहे वहाँ का कोई पियोन है, ठीक है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई भी है, उन्हें क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर मिक्स ऑफ गोल्स है। मतलब जब भी हम कहीं जाते हैं जॉब लेने के लिए, कहीं जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो सिर्फ इनकम मैटर नहीं करते, मतलब इनकम नहीं देखते, उसके अलावा और भी बहुत कुछ मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं देखने की, कि भी आपकी फैमिली को कहीं आपको छोड़ के जाना है तो पीछे से आपकी फैमिली को लुक आफ्टर करने वाला कोई है या नहीं है, और जहाँ आपको जॉब मिल रही है, जहाँ आपको मतलब एक बिजनेस आपने सेट करना है, तो उस एरिया में कितनी सिक्योरिटी है, कैसा एनवायरमेंट है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ए जॉब में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। मतलब एक कोई यूथ है, गर्ल है या बॉय है, कोई भी है, उसे कहीं भी जॉब का ऑफर मिला, ठीक है, तो वो क्या देखेगा वहाँ पे कि हाई पे तो मिल रही है, सैलरी तो बहुत हाई है, पैकेज बहुत हाई है एनुअली, बट वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप उनकी जगह पर होगी तो क्या करोगे, वट विल यू डिसाइड, क्या होगा आपका डिसीजन, कि जॉब को प्रेफरेंस देंगे या वहाँ की सिक्योरिटी मैटर करेगी। एंड विल रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो बहुत बार देखने में आया है कि अच्छी अच्छी सैलरीज भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, या फैमिली को पीछे कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। एंड इन अनदर केस, ए जॉब मे गिव बट पे एंड मे ऑफर्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, कि जॉब तो लेस है, मतलब जॉब में जो सैलरी मिलने वाली है वो बहुत कम है, बट क्या है एम्प्लॉयमेंट कैसे है वहाँ पे, रेगुलर है, यानी एक परमानेंट जॉब है और सेफ एनवायरनमेंट है वहाँ पर, सिक्योरिटी है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी वहाँ पे। तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग इनकम के अलावा, वो सब भी जॉब में मैटर करते हैं, कि भले ही आपकी इनकम वहाँ पे कम है बट आपका पीस ऑफ माइंड सेटल है वहाँ पे, आप सेटिस्फाई हो काम करके, अपने काम से और अपनी जो आउटपुट है उससे बहुत सेटिस्फाई हो, क्योंकि आपको जो आपके कलीग्स हैं, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है। एंड व्हाट मे बी, अलग नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। व्हाट डज दिस मीन हियर, कि देखो अगर एक का डेवलपमेंट हो रहा है तो सेम थिंग में जरूरी नहीं है कि सेकेंड पर्सन का भी वहीं पे डेवलपमेंट हो रहा हो, उसका लिए वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम यहाँ क्लियर करते हैं कि जैसे अगर कहीं पे भी कोई वैलीज हैं और नियर अबाउट बहुत सारे लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है या फिर कोई डैम बना रहे हैं उस रिवर पे, जैसे नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बनाया गया, तो डैम बनाने के लिए क्या होगा कि बहुत सारा जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो क्लियर करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो जब डैम बनेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज बनेंगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो बहुत फायदा होगा कि उन्हें जो है पूरा टाइम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है, बट जितने भी ट्राइबल पीपल को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दूसरे एरिया में, तो उनके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से हमने ये प्रूव किया कि अगर वहाँ पर डैम बनता है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फायदा हो रहा है, बट ट्राइबल पीपल के लिए क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, कि भी एक एमबीए कॉलेज में एक अच्छा लेक्चरर है, ठीक है,
तो उसको कहीं फॉरेन से किसी और बड़े कॉलेज से ऑफर आ जाती है, वो फॉरेन में चला जाता है। बट इतने सारे स्टूडेंट्स जो उसके साथ अटैच हैं, जिन स्टूडेंट्स को उस एमबीए लेक्चरर की बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो एक बार जब तक जो है एक नया टीचर उनके सामने नहीं आ जाता, तब तक उनके लिए क्या होगा, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एक डिस्ट्रक्टिव हो गया यानी। लेकिन जो जा रहा है, ठीक है, वो जो लेक्चरर है वो फॉरेन में गया और वो वहाँ पे जाके अच्छी सैलरीज पे गया और वो खुश होके गया है वहाँ से, तो उसके लिए वो क्या है, वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है यानी उसका वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई एक का डेवलपमेंट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सेम उसी एस्पेक्ट पे डिफरेंट पर्सन का भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो, तो उनके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी लेके आ सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, कि डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन कैसे किया जाए। कि हमने बहुत बार सुना है कि कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, तो ये कंपैरिजन कैसे किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या सुनने में आता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, वहाँ पे इलिटरेसी नहीं है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में हमें बताते हैं कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं है। पर जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं है, पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इलिटरेसी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ डिजीजेज बहुत रहती हैं यानी कोई ना कोई एपिडेमिक फैला रहता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस एरिया में। तो ये डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन है। बट हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रेशियो निकाला है, क्राइटेरिया प्रोड्यूस किया है कि हमें जो है एवरेज इनकम के बेस पे यानी कंट्रीज की जो इनकम है उसके बेसिस पे हम डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे। द फॉर कंपैरिजन कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड, यानी हर कंट्री की इनकम को कंसीडर किया गया है। एंड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एंड कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, यानी जिन कंट्रीज में वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सबकी बहुत हायर इनकम है तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, उनका ट्रेड बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत वास्ट है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है वहाँ की, यानी कि बहुत सारी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक डेवलप्ड कंट्रीज के पास जो हमें दिखाई देती हैं कि भाई ये कंट्री डेवलप्ड है। तो एक कंट्री की जो इनकम मेजर करेंगे वो कैसे करेंगे, टोटल इनकम जो है एक कंट्री की वो हमें कैसे पता चलेगी, यानी इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, उस कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी रहने वाले लोग हैं, उन सब की टोटल इनकम हमें क्या बताएगी कि उस कंट्री की टोटल इनकम है। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, यानी ये तो हमें टोटल रेजिडेंस का हमने कहा कि टोटल इनकम है एक कंट्री की, अब प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं वो मेजरमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि एक कंट्री की जितनी भी टोटल इनकम है उसको डिवाइड करेंगे उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। नाउ द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, कि वर्ल्ड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कि क्राइटेरिया जो उसने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है और जो रिपोर्ट पेश की है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2016 कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,236 पर एनम एंड अबव आर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी 2016 में जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जिन कंट्रीज में एनुअली $12,236 में मतलब मेजर किया गया है तो उससे या उससे अबव इनकम है वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज है।
and countries with per capita income of US dollar or 1005 or less are low income countries. यानी एक developed countries हैं, दूसरी क्या है? Low income countries है. और इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडिया comes in this category because its per capita income in 2016 was just US dollar 1840 per annum. तो यहाँ पे हमारे 2, 3, 1, 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, लो इनकम कंट्रीज में. कि 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया की एनुअली जो पर कैपिटा इनकम कितनी थी वो है 1840. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा प्रेजेंट की गई एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंगली कंपैरिजन किया गया. और ये क्राइटेरिया जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किए? वर्ल्ड बैंक ने. बट ये जो क्राइटेरिया हमारे सामने है, ठीक है, इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, यानी इसकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमें नहीं बताता कि किसी कंट्री की इनकम कितनी है. क्योंकि देखो, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टोटल इनकम को ज़्यादा पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, वो कम शो करेगा. और अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो जो टोटल इनकम को वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम जो है हमें बहुत ज़्यादा दिखाएगा. यानी कि एग्जैक्ट क्या है उस कंट्री की सिचुएशन वो हमें शो नहीं हो पाएगी. तो क्या लिमिटेशंस हैं? इफ़ द पॉपुलेशन इज मोर देन पर कैपिटा इनकम इज लेस. कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, हमें पर कैपिटा इनकम कम दिखाएगा. एंड इट डजंट टेल द एग्जैक्ट इनकम ऑफ ए पर्सन. ठीक है, एक पर्सन की एग्जैक्ट इनकम कितनी है वो भी हमें नहीं दिखाता. उसमें भी हाइट रहती है ये सिचुएशन भी. फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसी कंट्री में मतलब बहुत जो प्रॉस्पर रिच पीपल हैं, ठीक है, मतलब टाटा बिरला जैसे या अंबानी जैसे कोई 8-10 लोग भी हैं और बाकी 40-50% लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो जो टोटल इनकम आएगी, ठीक है, टोटल इनकम को वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम तो बहुत अच्छी दिखाएगा. क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाईली रिच पीपल हैं उनकी इनकम भी और पुअर पीपल की इनकम भी क्या हो रही है, ऐड हो रही है और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं. तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे अच्छी दिखाएगा, अच्छी शो करेगा. बट एग्जैक्ट में क्या है, उस कंट्री में कितने ज़्यादा जो है लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हमें शो नहीं होगा. तो वर्ल्ड बैंक की जो भी रिपोर्ट है, जो क्राइटेरिया है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं. ये भी एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं. तो आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया कि स्टार्टिंग में डेवलपमेंट हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किया. उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ का जो मतलब डेवलपमेंट गोल और उनके जो मेजरमेंट का वे है जो वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है वो हमने डिस्कस किया है. कि आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.